त्योहार पर नगर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था न होने व मार्ग उबड़ खाबड़ होने से नाराज पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरना में बड़ी संख्या में पार्षदों ने हिस्सा लिया। पार्षदों का आरोप था कि महापौर नगर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था नहीं करा रही है, साथ ही उबड़ खाबड़ मार्ग लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। त्योहार सर पर है लेकिन इसके बावजूद भी महापौर का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पार्षदों ने नगर निगम में धरना प्रदर्शन कर नगर में पर्याप्त सफाई और विकास कार्यों को गति देने की मांग की। एक्स न्यूज के लिए अमरेश राजपूत की रिपोर्ट। ये धरना प्रदर्शन सफाई पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि जब सुविधा नहीं दे पा रही शहर को नगर निगम प्रशासन और यहाँ की महापौर गलत बोल गया मैं, तो ये टैक्स किस बात के लिए लिया जा रहा है? केवल और केवल महापौर चोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अपनी भतीजी का यहाँ नगर निगम में नौकरी लगवा दी है, तनख्वाह घर बैठे खा रही हैं। 3 बॉडीगार्डों की तनख्वाह उनकी यहाँ से मिल रही है। 45,000 रुपये की लग्जरी गाड़ी में चलती हैं और डीजल तो रोज़ उनकी गाड़ी सुबह आई जाती है 9 बजे, 25 लीटर डीजल रोज ले जाती है। जितना चलता है उतना चल जाता है, बाकी बिच जाता है। उसके बाद डीजल में बहुत बड़ी लूट कर रही हैं और स्वच्छता अभियान के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मतलब ये है कि नगर निगम में एक सीमेंट की बोरी भरने के लिए पैसा नहीं है और महापौर अपनी लग्जरी लाइफ जीने में व्यस्त हैं और अब तो इतनी तानाशाह हो चुकी है महापौर। कल एक पार्षद अपनी समस्या बता रहे थे, उनके साथ बदतमीजी करने लगी। बदतमीजी की तो समाजवादियों ने उसका उनको उनकी भाषा में मुँह तोड़ जवाब दिया। हम महापौर से ये कहना चाहते हैं कि आप 5 साल के लिए ये ना सोचें आराम फरमाने के लिए बैठी हैं, समाजवादी हैं आपके पीछे। हम आराम से नहीं बैठने देंगे, चैन से नहीं बैठने देंगे और शहर की जनता से अपील करते हैं, सुविधा नहीं मिल रही तो टैक्स का विरोध करें। समाजवादी पार्टी के पार्षद नेता सभी लोग उनके साथ हैं, अगर निगम प्रशासन कार्रवाई करता है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोगों की प्रमुख मांग है किस तरह की? धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि बीते दिनों 1 हफ्ते पहले के आसपास हमने यहाँ पर एक छोटा सा धरना प्रदर्शन विरोध जताया था अपना और हमने ज्ञापन भी दिया था नगर आयुक्त महोदय को और उसमें साफ तौर पर कहा था कि शहर में जो मेन हॉल खुले पड़े हैं उन मेन हॉलों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। लेकिन हालात ये हैं कि नगर निगम ना किसी तरह की सुनवाई होती है यहाँ पर और यहाँ की जो मेयर साहिबा हैं उन्होंने तो सोच लिया है कि जनता ने वोट दे दिया तो 5 साल के लिए आराम से गद्दी पर बैठकर सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो महापौर साहिबा को हम बताना चाहते हैं कि आप जनता से चुनी हुई यहाँ पर महापौर हैं, आप ये समझ रही हैं कि आपको ये नौकरी आपकी जागीर बन गया है नगर निगम, तो ये अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। ये जागीर नहीं है, ये किराए का एक मकान है उनका जो जनता ने उन्हें दिया है कि आप यहाँ पर रहिए और काम करिए। अगर काम नहीं करेंगी तो उस पर ताला भी बंद होगा, उसका ऑफिस का भी ताला बंद होगा, नगर निगम का भी ताला बंद होगा। विधायक जी क्यों नहीं गौर कर रहे? तमाम तरह के विरोध जताया करते थे सरकार में, समाजवादी सरकार में, आज क्या विधायक जी को हो गया है? कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं विधायक जी? तो सिर्फ इनके जुमलेबाजी है भाजपा सरकार की, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता से लेकर तमाम नेताओं की, विधायक की, सब बर्बाद करके रख दिया है। इसे सुधारने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और विरोध जता रहे हैं और अगर अब भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो तैयार रहे भाजपा और नगर निगम और विधायक और महापौर कि हम यहाँ पर आंदोलन भी करेंगे।